हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक एसेंशियल टॉपिक जो कि है आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारा सौर मंडल। तो इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और जो जितने भी हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट हैं उनको याद करने के ट्रिक्स मैं आप लोग को बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, इग्नोर ना करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जो कि एग्जाम के नज़र से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और एक बात, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच फेज ऑफ द मून बिकम्स इनविजिबल। अर्थात चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। आपके ऑप्शन है ए अमावस्या, बी पूर्णिमा, सी एकादशी या डी नॉन ऑफ द अबव। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फिर भी एग्जाम के नज़रिए से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात अमावस्या। याद रखिएगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं मून का जो मतलब कि टर्म्स है वो फुल मून एंड जो न्यू मून हम कहते हैं। जो फुल मून यानी कि कंप्लीट जो मून दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा, याद रखिएगा। तो आप लोग सब जानते होंगे। और जो ये अमावस्या है, अमावस्या में क्या होता है यानी कि न्यू मून जो अराइज होता है, तो इस तरह से हम लोग इसको टर्म्स करते हैं। तो हम लोग इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि अमावस्या क्या है, एक न्यू मून डे है, उसी तरह पूर्णिमा मीन्स फुल मून डे, याद रखिएगा। तो इसके कुछ नोट्स हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि पहला है, अमावस्या इज द लूनर फेज ऑफ द न्यू मून इन संस्कृत, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है न्यू मून डे बोल के। उसके बाद जो मून है, सब जानते हैं चंद्रमा, तो उसका जो वेट है, मास जो है, इसका मास है आपका 7.3 × 10²² kg, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मून लाइट रीच टू अर्थ इन 1.3 सेकेंड्स। अब देखिए कि जो मून का जो लाइट है वो हमारे जब अर्थ में जो आता है तो उस समय को अर्थ तक आने के लिए 1.3 सेकेंड का समय लगता है, याद रखिएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद द मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सेटेलाइट, और कि मून अर्थ का एकमात्र नेचुरल सेटेलाइट है। उसके बाद रेडियस, यानी कि जो मून का जो रेडियस है वो है आपका 1737.4 किलोमीटर, याद रखिएगा। और जो मून है उसका ऑर्बिटल पीरियड है 27 डेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो आप लोग लिख भी सकते हैं। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि डिस्टेंस टू अर्थ, यानी कि मून से अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो है 384,400 किलोमीटर, याद रखिएगा। और ये जो मून का जो एज है, यानी कि एज मतलब कितना ओल्ड है, वो है आपका 4.53 बिलियन ईयर्स। तो आई होप आप लोग ये जो नोट्स हैं ये आपको याद रहेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन विच प्लैनेट्स, यानी कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए जुपिटर एंड सैटर्न, बी मार्स एंड वीनस, सी सैटर्न एंड यूरेनस या डी मार्स एंड जुपिटर। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात मार्स एंड जुपिटर, याद रखिएगा। अब देखिए, जो एस्टेरॉइड्स हैं यानी कि क्षुद्र ग्रह, इसको हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं, तो बेसिकली ये क्या है ये देखते हैं। अब देखिए, एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन। ऑल्दो एस्टेरॉइड्स ऑर्बिट द सन लाइक प्लैनेट्स, दे आर मच स्मॉलर देन प्लैनेट्स। अर्थात जो एस्टेरॉइड होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, जो कि रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं यानी काफ़ी हार्ड होते हैं। उसके बाद वो सन के चारों ओर घूमते हैं। उसके बाद एज कम्पेयर टू प्लैनेट्स, जो एस्टेरॉइड होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं। और उसके बाद अगला जो पॉइंट, ये भी आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फोर लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स आर,
कभी कभी आता है एग्जाम में कि एस्ट्रॉयड्स के नाम लिखिए बोलकर आ सकता है। तो जो लार्जेस्ट सबसे बड़े जो एस्ट्रॉयड्स हैं अब तक के, वो हैं आपके सेरिस, वेस्टा प्लस हाइजिया। आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, सेरस, वेस्टा, प्लस एंड हाइजिया, जो जो कि उनके साइज के मुताबिक यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आई होप आप लोग को ये याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, व्हाट इज ए स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लेनेट कॉल्ड, अर्थात किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए एस्टेरॉयड, बी सैटेलाइट, सी प्लेनेट या डी नॉन ऑफ द अबव। अब आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे, आई थिंक आप लोग को एक हिंट मिल गया होगा। तो अगर आप लोग को इसका आंसर पता हो गया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सैटेलाइट, याद रखिएगा। अब देखिए सैटेलाइट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये देखते हैं। हमारा जो पहला नोट है, ए सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड ए लार्जर ऑब्जेक्ट। अर्थ इज ए सैटेलाइट बिकॉज इट मूव्स अराउंड द सन। द मून इज ए सैटेलाइट बिकॉज इट मूव्स अराउंड द अर्थ। एंड अर्थ एंड द मून आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स। अब देखिए सैटेलाइट जो कि आर्टिफिशियल भी होते हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ये सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। इसके अलावा कुछ नेचुरल सैटेलाइट भी होते हैं, जैसे कि अर्थ एक सैटेलाइट है क्योंकि ये सन के चारों ओर घूमता रहता है, इसीलिए अर्थ को भी हम लोग सैटेलाइट बोलकर जानते हैं। उसके अलावा जो मून है, मून भी एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है, इसीलिए मून और अर्थ को नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट ऑफ इंडिया, अब मैनमेड सैटेलाइट वो था आपका द आर्यभट्ट, जो आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड मैनमेड इंडियन सैटेलाइट था वो था द भास्करा। आप लोग को ये सब नोट्स याद रहेंगे। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, यानी कि सौरमंडल की खोज किसने की है। आपके ऑप्शंस हैं, ए एन कोपरनिकस, बी गैलीलियो, सी केपलर या डी नॉन ऑफ द अबव। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर जो सोलर सिस्टम है हमारा, इनका आंसर जानते हैं तो प्लीज आप लोग बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि एन कोपरनिकस। देखते हैं कुछ नोट्स, जैसे कि जो एन कोपरनिकस थे उनका, तो उनका पूरा नाम निकोलस कोपरनिकस था। उसके बाद वो एक पोलिश सिटीजन थे, यानी कि पोलैंड से बिलोंग करते थे। उसके बाद कुछ अन्य जैसे डिस्कवरी जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन जो कि केपलर ने डिस्कवरी किया था। उसके बाद अर्थ सेंटर्ड यूनिवर्स जो कि टोलेमी ने डिस्कवर किया था। तो आई होप आप लोग को ये सारे नोट्स याद रहेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नोन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग्स, अर्थात हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह अपने प्रमुख छल्लों के लिए जाना जाता है, यानी कि उसके जो बनावट स्ट्रक्चर है उसमें रिंग होंगे। तो आई होप आप लोग को एक हिंट मिल गया होगा जो कि कौन से प्लेनेट पर रिंग्स हैं। तो ये हमें पूछा गया है, तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए यूरेनस, बी सैटर्न, सैटर्न या डी वीनस। अगर आप लोग को इसका आंसर पता चल गया तो प्लीज़ आप लोग बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सैटर्न, याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसके ऊपर कुछ नोट्स, जैसे कि सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि जो सैटर्न है प्लैनेट वो जो आपका सोलर सिस्टम का सिक्स्थ प्लैनेट है और उसके बाद सोलर सिस्टम के ही लार्जेस्ट प्लैनेट है, याद रखिएगा। उसके बाद एज ऑफ June 8, 2023 सैटर्न हैज 145 मून्स इन इट्स ऑर्बिट, याद रखिएगा। इससे पहले सैटर्न का जो डिस्कवरी था मून का वो था टोटल 83। इसके बाद फिर से इसके बाद नया जो डिस्कवरी हुआ वो लगभग 62 नए मून मिले। तो नए मून मिलने के बाद इसका टोटल काउंट हो गया आपका 145, याद रखिएगा। यानी कि वर्तमान 145 मून्स है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 145 होगा,
यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। उसके बाद सेटर्न हैज ए मून बिगर देन मार्क्यूरी, और सेटर्न का जो लार्जेस्ट मून है वो मार्क्यूरी से भी बड़ा है, याद रखिएगा। और उस मून का नाम है टाइटन, जो कि अर्थ के मून या मान लीजिए मार्क्यूरी से भी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट डज नॉट हैव नेचुरल सैटेलाइट्स, अर्थात निम्नलिखित में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। आपके ऑप्शंस है ए यूरेनस एंड वेनस, बी मार्क्यूरी एंड सैटर्न, सी नेपच्यून एंड मार्स, या डी मार्क्यूरी एंड वीनस। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि मार्क्यूरी एंड वीनस, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं इसके भी आप में कुछ नोट्स। जैसे कि अब देखिए कुछ मार्क्यूरी के बारे में हम जानते हैं। मार्क्यूरी इज द फर्स्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन एंड द स्मॉलेस्ट इन द सोलर सिस्टम। इट इज ए टेरेस्ट्रियल विथ ए हैवीली क्रेटर्ड सरफेस ड्यू टू ओवरलैपिंग इंपैक्ट इवेंट्स। यानी कि जो मार्क्यूरी है वो प्लेनेट है फ्रॉम द सन, और जो कि सोलर सिस्टम का एक स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, और उसके बाद जो मार्क्यूरी है वो एक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है जिसके जो सरफेस है वो क्रेटर्ड हैं। जो वीनस है, इट इज द सेकेंड प्लेनेट फ्रॉम द सन, इट इज ए रॉकी प्लेनेट विद द डेंसेस्ट एटमोसफेयर ऑफ ऑल द रॉकी बॉडीज इन द सोलर सिस्टम एंड द ओनली वन विथ ए मास एंड साइज दैट इज क्लोज टू दैट ऑफ इट्स ऑर्बिटल नेबर अर्थ, याद रखिएगा। और जो वीनस है वो सेकेंड प्लेनेट है जो कि रॉकी प्लेनेट है, उसके बाद ये काफ़ी डेंसेस्ट है, ये जो प्लेनेट है ये काफी डेंसेस्ट है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ ऑल रॉकी बॉडीज इन द सोलर सिस्टम, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स, अर्थात निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह और शाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए वीनस, बी मार्क्यूरी, सी मार्स, या डी नेपच्यून। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि वीनस, याद रखिएगा। आइए वीनस के ऊपर कुछ नोट्स देखते हैं। जैसे कि दिस इज द सेकेंड प्लेनेट फ्रॉम द सन, इट इज ए रॉकी प्लेनेट with the densest atmosphere of all the rocky bodies in the solar system and the only one with a mass and size that is close to that of its orbital neighbor Earth. अब देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था थोड़ी देर पहले वीनस के ऊपर एक क्वेश्चन था। तो इसके अलावा दूसरा जो नोट है उसमें हम चलते हैं। जैसे कि इट इज नेम आफ्टर द रोमन गॉडेस ऑफ लव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि वीनस का जो नाम कैसे पड़ा, ये रोमन गॉडेस ऑफ लव के नाम से ही वीनस का नाम रखा गया। उसके बाद इट हैज जीरो नेचुरल सैटेलाइट, ये जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। वीनस का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, यानी कि वीनस में जीरो नेचुरल सैटेलाइट हैं। ये आपका वीनस का पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये नोट्स याद रहेंगे जो कि एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, हाउ मेनी सैटेलाइट्स डज अर्थ हैव, अर्थात पृथ्वी के पास कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। आपके ऑप्शन हैं ए 1, बी 3, सी 4, या डी 7। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अर्थात 1, याद रखिएगा। जैसे कि अर्थ हैज वन नेचुरल सैटेलाइट एज मून, याद रखिएगा जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है, याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड है
अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द ओनली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नोन टू हार्बोर लाइफ, यानी कि एकमात्र ऐसा प्लैनेट जहाँ पे लाइफ यानी एग्जिस्ट हो रहा है जहाँ पर हम लोग हैं, तो वो है अर्थ, याद रखिएगा। और आप लोग एक चीज जानते होंगे, ये जो अर्थ है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल टू ह्यूमन, अर्थात निम्नलिखित में से सूर्य का कौन सा भाग मानव को दिखाई देता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार मार्क बनाकर रखें। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए कोर, बी क्रोमोस्फीयर, सी फोटोस्फीयर या डी कोरोना। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी यानी कि फोटोस्फीयर, याद रखिएगा। आइए देखते हैं फोटोस्फीयर क्या है। जैसे कि आप लोग ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो सन का ये पार्ट जो है, इसमें आपके बहुत सारे जो ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे सन स्पॉट, फ्लेयर, क्रोमोस्फीयर, रेडिएशन जोन जिसे कॉन्वेक्शन जोन भी कहते हैं, उसके बाद सबसरफेस फ्लो, और जो अंत में है जो फोटोस्फीयर, याद रखिएगा। तो ये जो फोटोस्फीयर है, यानी कि जो ये फोटोस्फीयर है, इसका ये पार्ट हमें विजिबल होता है, याद रखिएगा, ये पार्ट ही हम देख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आपका फोटोस्फीयर। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि फोटोस्फीयर, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, विच सेलेस्टियल बॉडी इज कंसिडर्ड ए ड्वार्फ प्लैनेट, अर्थात किस खगोलीय पिंड को बौना ग्रह माना जाता है। आपके ऑप्शन है ए नेपच्यून, बी जुपिटर, सी यूरेनस या डी प्लूटो। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि प्लूटो। अब देखिए ड्वार्फ प्लैनेट क्या है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। अर्थात ए राउंड ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट गोज अराउंड द सन बट इट इज नॉट एज लार्ज एज प्लैनेट एंड डज नॉट क्लियर अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इट्स पाथ। ये जो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं वो सन के चक्कर लगाते हैं, सन के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन जो प्लैनेट होते हैं उनके बराबरी मतलब कि उनके साइज के नहीं होते हैं, यानी कि जो इनके जो पाथ में दूसरे कुछ भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो उसको क्लियरली हम लोग विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। तो बाकी और प्लूटो के अलावा बाकी और भी ड्वार्फ प्लैनेट हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, जैसे का आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि मैके मैके, होमिया, सेरेस, एरिस और प्लूटो। ये जो पांच जो ड्वार्फ प्लैनेट हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, आई होप आप लोग को याद रहेंगे, जो आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, अर्थात कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। आपके ऑप्शन हैं ए मर्क्यूरी, बी वीनस, सी मार्स या डी नेपच्यून। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अर्थात मर्क्यूरी, याद रखिएगा। अब इसके भी आप में आप लोग ये जो सोलर सिस्टम का जो डायग्राम है, पिक्चर है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि ये सन है यानी कि सोलर सिस्टम का चीफ हेड जो भी आप बोल सकते हैं, उसके बाद जो उनके क्रोनोलॉजी है यानी कि जो प्लैनेट्स की क्रोनोलॉजी है, तो उसको आप लोग प्लीज याद कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला आफ्टर सन मर्क्यूरी, देन आपका वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे जो प्लैनेट हैं। तो इसका जो ट्रिक है वो मैं अंत में आपको जरूर बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो प्लीज बने रहें किस तरह से हमें प्लैनेट के सारे नाम याद करने हैं। जो आप लोग एक बार वो सीख जाएंगे तो आप लोग को हमेशा याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द लाइट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ,
अर्थात सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 9 मिनट, बी 8 मिनट 20 सेकेंड, सी 7 मिनट या डी 10 मिनट। ये काफ़ी एसेंशियल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो बार बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग इसको स्टार मार्क बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकेंड। ये जो कि अप्रॉक्स है, कभी कभी क्वेश्चन में आपका 8 मिनट भी आ सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 8 मिनट भी करेक्ट होगा और 8 मिनट 20 सेकेंड भी करेक्ट होगा। यानी कि ये जो सनलाइट है, सनलाइट आर्थ तक आने के लिए लगभग अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट 20 सेकेंड समय लगता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैस द प्लेनेट नेपच्यून अपीयर्स ग्रीन, अर्थात नेपच्यून ग्रह किस गैस की उपस्थिति के कारण हरा दिखाई देता है। आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी मिथेन, सी सल्फर या डी आर्गन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मिथेन, याद रखिएगा। इसके भी आप पर कुछ नोट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि इट अपीयर्स ग्रीनिश इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिथेन गैस इन इट्स एटमोस्फियर। इट इज द, यहाँ पे 7th टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे 8 होगा, आप याद रखिएगा 8th होगा। इट इज द 8th प्लेनेट फ्रॉम द सन। आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे नेपच्यून का कलर ग्रीनिश यहाँ पे दिखाया गया है। ये ऐसा कलर क्यों हुआ है? क्योंकि इसके जो एटमोसफियर में मिथेन गैस पाया जाता है, इसीलिए इसका कलर ग्रीनिश है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला नोट है, नेपच्यून इज द 8th एंड मोस्ट डिस्टेंट मेजर प्लेनेट ऑर्बिटिंग आवर सन, मोर देन 30 टाइम्स एज फार फ्रॉम द सन एज अर्थ, नेपच्यून इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। यानी कि जो नेपच्यून है वो इतना दूर है कि उसे हम लोग नेकेड आई से विजिबल नहीं कर सकते हैं, जो कि सन और अर्थ से लगभग 30 टाइम्स फार है, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, और आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 8th होगा, IGHTH। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका, व्हाट इज द पीरियड ऑफ हेलीज कॉमेट, अर्थात हेली धूमकेतु की अवधि क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए 100 ईयर्स, बी 80 ईयर्स, सी 76 ईयर्स या डी 70 ईयर्स। ये आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में हेली कॉमेट, तो इसका जो पीरियड है यानी कि ये कितने साल में दिखाई देता है, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 76 ईयर्स। देखते इसके भी आप में कुछ नोट्स, जैसे कि ये जो कॉमेट होते हैं, एक्चुअली कॉमेट किसे कहते हैं, ए बॉडी ऑफ फ्रोजन गैसेस रॉक एंड डस्ट इन एन इलोंगेटेड ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड कॉमेट। यानी कि ऐसा एक रॉकी सब्सटेंसेस कि आपका फ्रोजन गैस डस्ट से बना होता है, जो काफ़ी हार्ड होता है, वो आपका इलोंगेटेड मैनर में ऑर्बिट करता रहता है, सन के चारों ओर घूमता रहता है, जिसको हम कॉमेट बोलते हैं और हिंदी में इसे धूमकेतु बोलते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद हेलीज ऑर्बिट पीरियड इज ऑन एवरेज 76 अर्थ ईयर्स, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन ऑर्बिटल सर्कमफेरेंस अराउंड द सन ऑफ अबाउट 7.6 बिलियन माइल्स। यानी कि इसका जो एवरेज जो पीरियड है वो है 76 ईयर्स, याद रखिएगा। द पीरियड वेरीज फ्रॉम अपीयरेंस टू अपीयरेंस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द प्लेनेट। अब देखिए इसका अपीयरेंस क्यों चेंज होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण जो प्लेनेट के जो पीरियडिक मोशन में कुछ बदलाव आते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, हेलीज कॉमेट वॉज लास्ट सीन फ्रॉम द अर्थ ऑन 8 मार्च 1986। यानी कि हेलीज कॉमेट को लास्ट अर्थ से 8 मार्च 1986 को देखा गया था, और इसका नेक्स्ट अपीयरेंस एक्सपेक्टेड है 2061 को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका, ऑफ द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द प्लेनेट अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, ग्रह के आकार के अनुसार उसका सही कालक्रम चुने। यहाँ पे आपको ऑप्शंस इस प्रकार दिए गए हैं, मार्क्यूरी, वीनस एंड अर्थ। तो इसको हमें उनके साइज के अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाना है। अब आप
पर हम लोग इसका क्रोनोलॉजी देखते हैं साइज के आधार पर, तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में वो है जुपिटर, जिसका जो रेडियस है यानी कि साइज जो है अर्थ से लगभग 1120% बड़ा है, यानी कि 69,911। उसके यानी कि इस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है तो वो क्या ऑर्डर में बनेगा आप लोग अभी जान गए होंगे, सबसे पहले क्या आ सकता है आपका। तो आई थिंक आप लोग को इस चीज़ से थोड़ा हिंट मिल गया होगा, सबसे पहले क्या आ सकता है जो साइज़ के आधार पर सबसे बड़ा क्या है, ये ऑप्शन में से सबसे पहले आएगा आपका अर्थ, यानी कि ये आएगा एक नंबर में। उसके बाद आपका आएगा वीनस जो कि सेकंड में आएगा, देन आपका आएगा मार्स थर्ड में, और आपका आएगा मार्क्यूरी ये चार नंबर में। तो उसी चीज़ को हमें यहाँ पे ऑर्डर में अरेंज करना था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हम देखते हैं। आइए, जैसे कि मैंने बताया अभी, अर्थ पहले आएगा, उसके बाद वीनस, देन मार्स, देन मार्क्यूरी। याद रखिएगा, कभी कभी आपका असेंडिंग ऑर्डर में भी आता है, कभी कभी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आता है, तो इस तरह से आप लोग इस चीज़ को लर्न कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पर्पज से। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका, फोबोस एंड डेमोस आर द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ विच प्लेनेट, अर्थात फोबोस और डेमोस किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं। आपके ऑप्शन हैं मार्क्यूरी, बी मार्स, सी वीनस या डी अर्थ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मार्स। याद रखिएगा, हम लोग इसके भी यहाँ पर कुछ नोट्स देखें तो इस प्रकार है, जैसे कि मार्स इज द फोर्थ प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इट हैज टू नेचुरल सेटेलाइट आउट ऑफ विच फोबोस इज वन ऑफ द नेचुरल सेटेलाइट एंड डेमोस इज द अदर नेचुरल सेटेलाइट। जो आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो फोबोस एंड डेमोस, जो डेमोस जो है काफी छोटा है एज कम्पेयर टू फोबोस। याद रखिए, ये दोनों मार्स के नेचुरल सेटेलाइट हैं, और मार्स में मार्स के कुल दो ही सेटेलाइट हैं जो कि नेचुरल सेटेलाइट हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका, नेम द प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम दैट टेक्स द शॉर्टेस्ट रिवोल्यूशन, सौरमंडल में सबसे कम चक्कर लगाने वाले ग्रह का नाम बताएं। आपके ऑप्शन हैं ए वीनस, बी मार्स, सी मर्क्यूरी या डी यूरेनस। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मर्क्यूरी। याद रखिएगा, इसके भी आप पर कुछ नोट्स आप लोग देख लें जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मर्क्यूरी इज एन एक्सट्रीम प्लेनेट इन सेवरल रेस्पेक्ट्स बिकॉज ऑफ इट्स नियरनेस टू द सन। अब देखिए, मर्क्यूरी जो है एक काफी एक्सट्रीम प्लेनेट है क्योंकि ये सन के काफी नजदीक है। उसके बाद मर्क्यूरी इज एप्रोप्रिएटली नेम्ड फॉर द स्विफ्टेस्ट ऑफ द एंशिएंट रोमन गॉड्स। उसके बाद अगला नोट्स है, मर्क्यूरी इज द फर्स्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन एंड द स्मॉलेस्ट इन द सोलर सिस्टम, इट इज ए टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। याद रखिएगा, और यहाँ पे मैंने एक चार्ट आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, जिससे कि हर एक प्लेनेट के अपने अपने एक अलग अलग ऑर्बिटल पीरियड होते हैं, ये इन डेज है आपको, याद रखिएगा। तो आप लोग प्लीज इस चीज़ को नोट कर ले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका, द प्लेनेट विथ द हाइस्ट नंबर ऑफ मून इज, सबसे अधिक चंद्रमा संख्या वाला ग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए जुपिटर, बी वीनस, सी नेप्च्यून या डी सैटर्न। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सैटर्न। याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिफोर जुपिटर हैज द हाइस्ट नंबर ऑफ मून्स ऑफ 95, यानी कि इससे पहले जुपिटर के 95 मून्स थे। देन आफ्टर डिस्कवरी ऑफ 62 न्यू मून्स इन सैटर्न, इट ओवरटेकन द काउंट बिफोर, इट हैज 83 मून्स एंड नाउ टोटली इट हैज 145 न्यू मून्स। यानी कि पहले सैटर्न के कुल 83 मून्स थे, तो इस हिसाब से जुपिटर के सबसे हाइस्ट मून थे पहले, लेकिन आफ्टर डिस्कवरी ऑफ 62 न्यू मून्स सैटर्न के कुल काउंट हो गए आपके 145 न्यू मून्स। तो इसीलिए सैटर्न के सबसे हाइस्ट नंबर ऑफ मून्स है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट नोट है, सैटर्न्स लार्जेस्ट मून इज टाइटन, याद रखिएगा। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया वीडियो में। देन अगला नोट है, सैटर्न्स स्मॉलेस्ट मून इज मीमास, याद रखिएगा। लार्जेस्ट मून का नाम है टाइटन, और जो स्मॉलेस्ट मून है उसका नाम है
मीमास। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका, नेम द प्लेनेट दैट हैव टू मून्स, अर्थात उस ग्रह का नाम बताइए जिसके दो चंद्रमा हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए मार्स, बी जुपिटर, सी यूरेनस या डी नॉन। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि मार्स, याद रखिएगा। यहाँ दोस्तों ये जो मार्स है, मार्स का टोटल टू मून्स हैं, याद रखिए, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे कि जुपिटर, जुपिटर के कुल 95 मून्स हैं, देन आपका यूरेनस, उसके कुल 27 नॉन मून्स हैं जो कि, और उनमें से कुछ 5 मेजर्स मून ऑफ यूरेनस जैसे कि मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटेनिया एंड ओबेरॉन, याद रखिएगा ये यूरेनस के 5 मेजर मून्स हैं। मून्स आर समटाइम्स कॉल्ड द लिटरेरी मून्स बिकॉज दे आर नेम्ड फॉर शेक्सपियरियन कैरेक्टर्स, और याद रखिए ये सारे जितने भी 5 मेजर मून्स हैं यूरेनस के, उन्हें कभी कभी लिटरेरी मून्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे जो मून्स हैं ये सारे शेक्सपियरियन कैरेक्टर्स बियर करते हैं, इसीलिए इसको लिटरेरी मून्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द सन्स अप्रोक्सीमेटली, अर्थात सूर्य की सतह पर तापमान लगभग कितना होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 9000 डिग्री सेल्सियस, बी 8000 डिग्री सेल्सियस, सी 6000 डिग्री सेल्सियस या डी 4000 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज टिक करके रखिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस। हमारा टॉप 20 क्वेश्चंस। अब ये जो 21 नंबर क्वेश्चन है ये आपके लिए है, आप लोग प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। द मून इज नोन एज अर्थ डैश, अर्थात चंद्रमा को पृथ्वी का डैश कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए ड्वार्फ प्लेनेट, बी फर्स्ट प्लेनेट, सी नेचुरल सैटेलाइट या डी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग को बताना है, तो मैं आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनको याद करने के कुछ ट्रिक्स की ओर। जैसे कि इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन प्लैनेट्स, हमारा पहला जो नोट्स है वो है बिगेस्ट प्लैनेट जो आप लोग जानते ही हैं जुपिटर, उसके बाद जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है वो आप लोग जानते ही हैं गैनीमेड जो कि जुपिटर का एक मून है जो कि काफ़ी बड़ा है, उसके बाद रेड प्लैनेट मार्स, ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस, ब्लू प्लैनेट मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था अर्थ, देन हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस, ग्रीन प्लैनेट यूरेनस, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार वीनस, कोल्डेस्ट प्लैनेट यूरेनस। ये प्लीज आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आ सकते हैं। उसके बाद द डेंसेस्ट प्लैनेट अर्थ, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट डेमोस, द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन नेपच्यून, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन मर्क्यूरी, नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ वीनस, प्लैनेट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट सैटर्न 145 सैटेलाइट्स एंड नियरेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम प्रोक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा। तो आई होप आप लोग ये सारे नोट्स याद रहेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे जो ट्रिक्स की ओर, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था कि मैं आप लोग को हमारे जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं 8 प्लैनेट्स, उनको याद करने के ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा बोलकर। तो आइए चलते हैं उस ट्रिक्स की ओर। सिस्टम है इसे याद करने का तरीका इस प्रकार है, अकॉर्डिंग टू इनके जो क्रोनोलॉजी है उसके हिसाब से हमें याद करना होगा। जैसे कि मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मीन्स माई, वीनस मीन्स भेरी, अर्थ एडुकेटेड, मार्स मीन्स मदर, जुपिटर जस्ट, सेटर्न मीन्स सर्व्ड, यूरेनस मीन्स आस एंड नेपच्यून मीन नूडल्स, यानी कि इसका ट्रिक बन जाएगा, इस प्रकार बनेगा इसका ट्रिक, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व आस नूडल्स, अब देखिए माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व आस नूडल्स, जो काफ़ी ईजी है और आप लोग इसको
याद कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग का जो ये सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो याद हो जाएंगे, मैं 100% आप लोग को कह सकता हूँ गारंटीडली। अगर आप लोग ये ट्रिक्स फॉलो करेंगे, आप लोग का ये जो प्लैनेट्स का नाम है ये कभी भी आप लोग के दिमाग से नहीं उतरेगा, जो कि एग्जाम के नज़रिए से भी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।